हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग मैं ऐवे ही बनाने वाली हूँ, मतलब एज अ डेली ब्लॉग, क्योंकि मेरे पास परसों से बहुत सारा कंटेंट था। कहने का मतलब है कि परसों हम लोगों ने वो बनाया हुआ था जो कि जनेऊ के लिए, जब जनेऊ होता है तो चावल को भूरते हैं, उसके बाद उसके लड्डू बनाए जाते हैं, उसका आटा पीस के, सॉरी उसके आटे का लड्डू बनाया जाता है, चावल के आटे का। पहले चावल को भूनते हैं, उसके बाद उस पर पीस के, उसको पीस के आटा बनाया जाता है, फिर उसके लड्डू बनाए जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती कहीं से भी आते, तो मैंने मतलब एक बार बचपन में चखा हुआ था, तो मेरे को उससे थोड़ा सा अजीब सा लगा, मतलब पता नहीं क्या, मुझे कम मीठा बहुत, मतलब कम मीठा लगा या जो भी लगा होगा, पता नहीं। मैंने तब से खाना ही बंद कर दिया, मैं खाती ही नहीं उसे। और बाकी एक और चीज़ बनाई जाती है जिसे जो 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 मैदे का होता है या पता नहीं आटे का होता है या जो भी होता है, नहीं आटे का होता है शायद, आटे का रोटी बना के गोल गोल उसको धूप में सुखाते हैं, उसके बाद उसको तलते हैं, तो एकदम कड़क कड़क से उसमें एक अच्छी सी आवाज़ आती है, और वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। वो खाती हूँ मैं। अब वो तो उसी दिन बनेंगे, शायद उसके पहले दिन बनेंगे, हाँ जिस दिन जने होगा उसके पहले दिन बनेंगे, जिस दिन ग्रह जाग होगा उस दिन। और अब हमारे पास सिर्फ दो दिन बचे हैं और दो दिन बचे हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने आपको पहले के व्लॉग में बताया था कि डांस प्रैक्टिस करनी है, और मैं सच्ची मैंने उस दिन किया, उसके बाद मैंने एक और दिन किया, तब से मैंने कल किया। मतलब एक तो उस गाने में, मतलब वो गाना इतना टफ तो नहीं है, लेकिन उसके स्टेप्स जो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी तो जान निकल गई उसको सीखने में। और बस मैं उस दिन अटक ना जाऊँ जिस दिन मैं डांस करूँ, अच्छे से सब कुछ हो जाए, भगवान जी प्लीज़। और तो आ जाने वाले हैं मेरी दीदी लोग, दीदी मतलब वैसे तो बहुत सारी दीदी आएंगी अब, क्योंकि आज दो दिन पहले आने वाली हैं हमारी मामा की लड़कियाँ, और वो साथ में बिटौला भी लाने वाली हैं। अब किसी को बिटौला का मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे इसमें जो ऑडियंस है वो एक्चुअली ज़्यादातर बाहर की होती है, फिर मुझसे पूछते हैं कि ये क्या होता है वो क्या होता है। तो बिटौला होता है जो कि मेरे को पता होता है कि क्या होता है, पता नहीं बोलने में मैं भूल जैसा जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ। तो बिटौला आता है मम्मी लोगों के मायके से, जिसमें वो मम्मियों के लिए पैसे, साड़ी या पूरियां या जो भी चीज़ पकवान बना के लेके आते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से यही होता है या कहीं बाहर भी होता है, नहीं उत्तराखंड में ही होता है शायद, उत्तराखंड या कुमाऊँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में ज़्यादा। हाँ तो दीदी आने वाली है, और छोटे मामे की बेटी भी आने वाली है पलक, मैंने उसको शायद ननिहाल वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया होगा, और दीदी को भी मैंने दिखाया ही होगा कहीं कहीं पे। और कौन आने वाले, बाकी के मेहमान कल आने वाले हैं, कल मेरे ताऊजी लोग और बड़े ताऊजी लोग और छोटे ताऊजी, और शायद बुआ के बाल बच्चे भी आ रहे होंगे, अभी मुझे अच्छे से कुछ पता नहीं है। ओह परसों से इतना ज़्यादा काम हो रहा था ना, अगर मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जिसका जनेऊ हो रहा है वो दिन रात टीवी देख रहे हैं, और हमारी हालत ख़राब। और एक तो कल हमारी पूजा भी थी, इसकी वजह से परसों तो मुझे जुकाम भी लगा था, वो भी इतना भयंकर वाला जुकाम लगा था, जिसकी वजह से जिस दिन वो चावल वो वाला जो भी सीन था, लड्डू तो नहीं बनाते, लड्डू तो शायद उसी दिन बनेंगे कल ग्रह जाग के दिन, और जिस दिन चावल वगैरह भूट रहे थे, मतलब बहुत सारी औरतें आई हुई थी गांव की, तो उस दिन मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मेरा ये नाक मुझे चैन से नहीं रहने देता कभी। वैसे तो मैं खुश हूँ कि अच्छा हुआ कि मुझे अभी लग गया, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे थोड़ा लेट हो गया, कहने का मतलब है कि सर्दियों में मुझे फटाफट से लग जाता, एक हफ्ते में दो बार भी लगता था, लेकिन अब मुझे दो हफ्ते में एक बार लग रहा है, तो इस वजह से मैंने सोचा अच्छा हुआ भी लग गया, तो जब तक मतलब भैया का जनेऊ वगैरह होगा तब तक तो कम से कम मैं ठीक होंगी। और वैसे तो दवाइयाँ वगैरह भी रखी हुई कि अचानक से अगर लग गया बाई चांस तो मैं दवा खा लूँगी, और दवा खाना मुझे सबसे 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 ज़्यादा गंदा लगता है, इतना गंदा। पहले से तो मुझे बहुत बुखार भी इतना कम आता था, मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक जुकाम ने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना है, बस हो गया, जैसे तैसे ये ठीक हो जाए, एक बार ये चला जाए। मैं तो सोच रही थी इस बार गर्मियों में मुझे लेके गए नहीं, लेकिन मैं गलत थी, और मैं हमेशा गलत होती हूँ, और सुबह सुबह मुझे स्वेटर ही पहनना ही पड़ रही है, मतलब गर्मी तो
तब भी मुझे इतनी गर्मी में मैंने अभी भी स्वेटर पहना हुआ है, मतलब ये ऐसा स्वेटर तो नहीं है लेकिन इससे भी मुझे बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन पहनना तो पड़ रहा है। और सुबह तो फिर मुझे और भी मोटा स्वेटर पहनना पड़ा है, क्या कहूँ अब, कंबल के अंदर तक जुकाम लग जा रहा है जिस दिन मुझे लगना होता है। अभी जुकाम की बातें भाड़ में जाए, मैं ये जुकाम उखाम नहीं याद करना चाहती, वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो अब मैं करने वाली हूँ डांस की प्रैक्टिस, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जितनी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर रखी है या जैसे भी हमने कर रखा है मतलब। तो अभी मैं जाने वाली हूँ डांस की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हैं, और अब मैं प्रैक्टिस करने चलती हूँ, आपको भी लेके चलती हूँ। तो चलो, तो गाइज ये है वो रूम जहाँ पे हम लोग अभी डांस सीखने वाले हैं, और बीच में हमारी पूजा थी यहाँ पे, तो कुछ बनाया हुआ था और इस दीवार की हालत ऐसी कर दी है, ऊपर से इस पे इतने सारे दिल बना दिए, ए साफ कर इसको। और तो ये वाला जो रूम है ये खाली कर दिया गया है, और खाली इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हवन होने वाला है, हवन मतलब बोले तो जिस दिन जनेऊ का भैया का उस दिन के लिए, और फिर हमारी पूजा भी थी तो उसके लिए भी काम आ गया है यहाँ पे रूम। आई होप कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से नजर आ जाऊंगी, क्योंकि वैसे तो ये रूम खाली इसलिए किया गया है कि हवन वगैरह के लिए, लेकिन ये हमारे डांस के लिए भी काम आ गया है तो आसानी होगी। वैसे ये कमरा वैसे भी खाली था, मतलब बस एक नॉर्मल सी चारपाई लगी थी यहाँ पे, और एक स्टैंड था बस, और 2-4 कुर्सियां वगैरह थी। दिखी नहीं दिखी, फिर अब नहीं पूछ भी नहीं था। You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down. But I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never make me wanna stick around you. लग रही देखते तेरे को शर्मीली दीदी कहाँ है। तो यहाँ पे दीदी ने डेली में एप्पल डालना स्टार्ट कर दिया है, ये रहा एप्पल, अभी पूरी सीढ़ियों में लगेगा यहाँ से ऊपर तक। हाँ सिगरेट पी के यहाँ रख रखा है यार, तो खाली थोड़ा बोल रही हाँ। ये लोग खिड़की में फूल लगाते हुए मम्मा अरे यहाँ कहाँ है, अरे खिड़की के पीछे में आते हुए लंबे होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। चल ऊपर पे हाथ लगा के दिखा, जो ऊपर वाला की रहा हूँ वहाँ पे बीच वाला उस साइड वाला मैं लगा पाऊंगी नहीं, बता दो मैं पकड़ता हूँ एक बार, अभी लगा पाऊंगी नहीं। तू पैर उठा के भी नहीं लगा पा रही, हो गया। तूने भी पैर उठाए थे शायद, तू उठाए थे
बस हो गया चुका है चालू और मतलब किचन वगैरह बना रहे हैं जहाँ पे खाना वगैरह बनेगा, मतलब रसोई बनी थी, रसोई बना रहे हैं और शायद कल तक टेंट भी लग जाए कल टेंट भी लग जाएगा, कल मेहमान भी आ जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कोई बस मुझे मेरे रूम से ना निकाल दे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पर मम्मी बोलती कि तू रूम से बाहर जाएगी, आउट। हम सब लोग इतनी मेहनत से इतने काम में लगे हुए हैं और जिसका जनेऊ है वो दिन भर कभी लैपटॉप कभी टीवी, कभी लैपटॉप कभी टीवी, बस। और लास्ट में बस हम दो नमूने यहाँ पे भी हैं जो लैपटॉप चला रहे हैं और उसमें मूवीज देख रहे हैं। कौन सी मूवी देख रहे हो? वेब सीरीज। कौन सी? स्वीट होम। इसको दिखा रहा हूँ। सॉन्ग कैंग कैसा लगा तुझे? ये पता सॉन्ग कैंग दिखने में चले। दिखा देखिए देख। और ये दीदी अभी तक बनाने में लगी हुई है अपन डालने में। इतना सुंदर डाल रखा है, वाओ। और अभी मैं आ चुकी हूँ राशन वाले रूम में जहाँ पे हम लोगों ने राशन इकट्ठा करके रखा हुआ है। मतलब ये दाल वगैरह है, इसमें पता नहीं क्या है, और इसमें मसाले वगैरह हैं, उसमें भी वो भी मसाला, ये तेल वगैरह, और यहाँ ये आटे के कट्टे और ये चावल के कट्टे। चावल मेरे ख्याल से चावल इसलिए खोले हुए थे क्योंकि इनमें से जो मैं बता रही थी आप लोगों को लड्डू बनाते हैं वो चीज़ बनाई हुई थी। और ये प्याज आलू, अभी मेरे ख्याल से क्या पता और सामान भी हो सकता है शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं हाँ पता नहीं, या मेरे ख्याल से वो चीज़ होंगी सलाद वगैरह, क्योंकि वो चीज़ तो यहाँ दिख नहीं रही है। और भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो चीज़ मतलब अब बाद में आएंगी। तो अभी के लिए इतना ही फिलहाल, अब मैं मिलूँगी शायद कल ही मिल जाऊँ। आज तो मैं इसको आज ही अपलोड कर लूँगी, आज ही बना रही तो आज ही अपलोड कर लूँगी, फिर कल का भी कल ही अपलोड कर दूँगी टाइम मिला तो। फिर परसों और नर्सों का जो मतलब जनेऊ वगैरह है, जब जनेऊ वगैरह जाकर उसका तो शायद से मैं लेट ही कर पाऊँ, लगभग 2 या 3 दिन तो तब भी लग जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।